अच्छा ये बताइए, देखा है सांसद को कभी आना? नहीं। क्यों? कभी दर्शन ही नहीं करते तो क्या देखेंगे उनका हार की? 10 साल में एक बार भी शकल दिखाई हो तो बता दो आप। मोदी बनेंगे दोबारा प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से जो आज तीसरे राउंड की वोटिंग चल रही है, मोदी का बनना बड़ा मुश्किल ही है। मोदी को चाहिए नहीं। क्यों? चाहे और आ जाए कोई बीजेपी का, दिल्ली में तो हमारी तो तरफ से चाहे हारो या जीतो झाड़ू है, गंदगी को साफ करना बस। केजरीवाल पकड़ा गया ना, जीव तो हमारी परेशानी हुई है ना, पहले पानी तक कोई झूठ बोलो तो साथ में पानी खूब आवा था इतना था। बीजेपी की हो जी? तो आए नहीं प्रवेश, तो आया नहीं इधर। दिल्ली की अभी 7 सीट पर मुकाबला जो है वो बाकी है, क्योंकि अभी 25 मई को यहाँ पे वोटिंग जो है वो होनी है। और हम लोग इस वक्त नजफगढ़ के रोशनपुरा गांव में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ लोग हमें दिखे, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार वो देख रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि प्रवेश वर्मा यहाँ से अभी सिटिंग सांसद हैं और 2 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने अब की बार उनको टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह पर अब की बार कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है और आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहाँ की जनता क्या सोचती है कि किनके काम से वो ज़्यादा खुश है और क्या बीजेपी दोबारा आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, चलिए इनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। क्या करते हैं आप? रिटायर्ड है। किस चीज से रिटायर्ड है? इंजीनियर से। इंजीनियर? हाँ। अच्छा ये बताइए, देखा है सांसद को कभी आना? नहीं। क्यों? कभी दर्शन ही नहीं करते तो क्या देखेंगे उनका हार की? जो यहाँ के सांसद है प्रवेश वर्मा, आज तक तो कभी दिखे नहीं। अच्छा। 10 साल के, 10 साल हो गया ना जी, 2 बार रह चुके हैं। 10 साल में एक बार भी शकल दिखाई हो तो बता दो आप। हाँ, उनका एक जरूर शकल की जगह आता है बेंच लगा हुआ, बनाया हुआ सौजन्य से प्रवेश वर्मा, बस यही दिखता है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। नील बटा सन्नाटा। अब की बार टिकट काट दिया बीजेपी ने उनका, दिया कमल जी। बीजेपी का ही टिकट कटेगा, उनकी तो बात ही छोड़ो आप। अच्छा। आप पार्टी के सिवा किसी को वोट नहीं मिलना यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने काम किया है और सरकार को हम देंगे, उनको धड़ल्ले से वोट देंगे, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। ये बताइए, लेकिन केजरीवाल तो अभी जेल में है, फिर क्या होगा? केजरीवाल जेल में है तो क्या हुआ? हाँ। और तो उनके सपोर्टर तो हैं और उनके साथी तो हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बेकार के लिए डाल रखे हैं जेल में, उनका क्या? वो तो भ्रष्टाचार में ऐसे ही फैला दिया है कि भाई भ्रष्टाचार काम, बीजेपी ने कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया है जो ये आप पार्टी के ऊपर नाम लगा रहे हैं? या कोई काम किया हो तो बताओ। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई काम कोई बता दो तो कोई काम हुआ। ये केजरीवाल का काम है जो केजरीवाल ने काम किया यहाँ पे। अच्छा। बस तो क्या लग रहा है आपको अब की बार? चाचा यहाँ से सुनता नहीं है। अरे यार सुनता नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि महाबल मिश्रा फिर टक्कर दे रहे हैं उन्हें यहाँ पर? बिल्कुल टक्कर महाबल मिश्रा की 99% टक्कर है उनकी। हाँ, हालांकि किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया, जो काम किया है वो आप पार्टी ने किया है। चलो इधर चलते हैं। ये बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं आपको यहाँ पर? सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे या फिर कोई दिक्कत परेशानी है? सब सही है फिलहाल। सब सही है फिलहाल, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं? कोई नहीं। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपकी बार? ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी मैडम। पब्लिक तो पब्लिक, बताओ ना, आप ही तो पब्लिक हो। हमारी तरफ से तो ये दिखता है बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी बनेंगे आपकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? चलो एक बार इधर चलते हैं। क्या लग रहा है अंकल जी, मोदी बनेंगे दोबारा प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से जो आज तीसरे राउंड की वोटिंग चल रही है, मोदी का बनना बड़ा मुश्किल ही है। अच्छा, क्यों? वोट प्रतिशत कम हुआ है क्या? वोट प्रतिशत जितना भी कम होता जाएगा मोदी को नुकसान होता जाएगा। हाँ। बस अच्छा, क्यों नहीं चाहते हैं मोदी क्यों ना बने प्रधानमंत्री? हमने कब कहा कि मोदी ना बने? मोदी बने, हम मना थोड़ी कर रहे कि मोदी ना बने। मोदी का आगे का काम ठीक था, परंतु ये अब तो नहीं है काम। ये यहाँ का जो भी सांसद है उसने काम नहीं किया। नहीं किया बस।
तो एक बार चलो आप वोट जीत गए, दूसरी बार जीत गए, आपकी बार टिकट ही कट गया। अब देख लो आप, ये टिकट कट गया उसका था, पहले 5 साल बने थे तो वो क्या कहते हैं उसके फादर जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, क्या नाम था, साहिब सिंह वर्मा की लहर से बन गए वो, दूसरी बार बीजेपी की लहर से बन गए, तीसरी बार उनको बनना नहीं है इसलिए उनको टिकट वैसे भी नहीं मिला। अच्छा। पार्टी ने ये बताइए कितनी बार देखा है सांसद को? किस इसको बीजेपी की हो जी? वो तो आया नहीं, प्रवेश तो आया नहीं इधर, क्यों 10 साल से यहाँ पर आया नहीं इधर, चक्कर लगाया नहीं काम के बारे में उसने तो कोई, ऐसा क्या वजह है इसके पीछे की जो देखेंगे? उन्होंने देखा नहीं की बार, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, उनको भी दिया है क्या उसका हो तो अब तो कमल जीत को दिया है। हाँ क्या लग रहा है, और अब की बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्रा है? नहीं, वोट तो इसको बीजेपी को ही देंगे। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री तो सही लायक, प्रधानमंत्री के लायक तो वो ही है जो देश को चला सकते हैं। तो जब काम नहीं किया है, कोई बात नहीं, काम नहीं किया देश के लिए तो है, ये तो देखना प्रधानमंत्री के लायक कौन है देश मापने में, प्रधानमंत्री के लायक तो मोदी है, और तो कोई है नहीं ऐसा नेता जो देश को चला दे। तो मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो और कोई नहीं कर पाया? मोदी ने देखो राम मंदिर बना दिया, कटकड़ी है उसकी पार्टी का, सारे हाईवे रोड बना दिए उसने, देखो कितना काम करवाया उसने मोदी ने, तो धारा 144 थी उधर, वो 370 थी कश्मीर, वो तोड़ दी, हिमाचल की तरफ है कई धारा तोड़ दी उसने, सारे अच्छे काम करें। अब कोई बात नहीं, एक एमपी नहीं आए थे इधर, उससे कोई वो फर्क तो पड़ता नहीं। हाँ, विकास में फर्क नहीं पड़ेगा आपको? नहीं, कोई विकास में फर्क नहीं पड़ेगा, काम बीजेपी बढ़िया करा रही, बढ़िया पाई। केजरीवाल जेल में है आजकल? केजरीवाल है ठीक है, उसने भी कुछ किया पानी का, जैसे पानी का भी कराया उसने भी, शिवर का भी कुछ इधर पवराट की साइड में कराया उसने भी काम, और जैसे बस का फिराई जो उड़ते हैं बस में फ्री चलते हैं, किराया वहाँ है इनका, ये तो काम किया। जेल में गए सही गए क्या गलत गए ये कह नहीं सकते, क्योंकि प्रूफ तो साबित होया नहीं जेल में कोई अभी तक इनका, अब है भी लूटा खसोटी या शराब घोटाले का इंजाम है भी या नहीं, ये तो हमने देखा नहीं इसको। अच्छा। हाँ आपने देखा है सांसद को? देखा उसको, वो वोट मांगने भी नहीं आया था हमारे गांव में, वैसे दे दिए। हाँ, हमने मोदी को वोट दी है, उसको वोट नहीं दी, हमने मोदी को वोट दी है। लेकिन विकास के लिए तो वही है ना आपके पास एमपी, मोदी जी तो आएंगे नहीं यहाँ पर, मोदी तो आएगा नहीं, अब देश के लिए प्रधानमंत्री हमें मोदी चाहिए, बाहर देश में हमारी छवि किसने बनाई? मोदी ने, प्रवेश ने नहीं बनाई, मोदी ने बनाई। हाईवे जो नजरगढ़ में लिख रहे अब वो प्रवेश की मेहरबानी से नहीं लिख रहा, मोदी की मेहरबानी से लिख रहा है, जो आज ये पानीपत वाला हाईवे के हम द्वारका एक्सप्रेस बने आया है ये मोदी की मेहरबानी है, कटकरी की मेहरबानी है, प्रवेश से तो कोई मंदिर के लिए हमने बुलाया था उसमें भी नहीं आया, वो मूर्ति के लिए यहाँ, वो तो नाम का उसके पिताजी के नाम से उसको वोट मिल गया पहली बार, दूसरी बार मोदी के नाम से वोट मिल गया, अब की बार आता तो वो जीरो से जाता, वो बढ़िया रहा, इसको मिल गया कमलजीत सिंह राउत को, बहुत अच्छा रहा बीजेपी की तरफ से। चल ठीक है, ये बताइए सांसद को देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा? 10 साल से है यहाँ पे सांसद? ना देखे बेटे हमने। कोई काम हुआ है यहाँ पे? नहीं कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिजली पानी सड़क कोई समस्या है आपको ये बताइए? केजरीवाल पकड़ा गया ना जीव तुम्हारी, परेशानी नहीं हुई है ना, पहले पानी था कोई झूठ बोलो तो साथ पानी खूब आवा था, नाता जब केजरीवाल जेल में गए इसके बाद परेशानी हुई है, उसके बाद परेशानी हुई है। केजरीवाल बने पानी की मौत थी, केजरीवाल नहीं बना था उससे पहले, 1 बजे पानी भर कर खुद हमने लते धो रखे हैं कपड़े, मशीन लगा लगा कर और पानी भरा करते, हाँ रत जग गया करते पानी के मारे। अरे केजरीवाल जिस मौज में किसी नहीं करी थी, बचावा बेचारा बंद है, हम तो वोट देंगे उससे तो जब बनी हो, और केजरीवाल को दोगे? हाँ आम आदमी पार्टी को। हाँ बीजेपी के सांसद है यहाँ पे प्रवेश, उनको देखा ही नहीं कभी आपने? नहीं बेटा नहीं देखा। हमने नहीं देखा, आपने भी देखा? 10 साल से सांसद है यहाँ के,
10 साल से सांसद है यहाँ पे, 20 साल तो हो जाएगा। है कितने दिन तो ऊपर हमने नहीं देखा, देखा ही नहीं। अरे नाम है? हमने तो बेटे देखा ना, देखा नहीं आपने? हमने नहीं देखा। ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा अब की बार, क्या सोचती है? मोदी को जानती है? मोदी को हमने बढ़िया केजरीवाल बनो जो बन जाए बोरी तो बेटा को गिरता ना है ना, पानी बिजली की तो उसने करी थी मौज, सब क्या एक मौज कर रखी थी उन्होंने बेटी। ठीक हाँ, फूल का न झुको सब भगवान जाने किस वोट देनी हमने तो कि कोई ले लियो एक वोट आएगी। राम के बड़े छोटे का ना बेबे नहीं आना, वोट देनी पड़ेगी पर बस। मोदी को, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? बन जाओ अभी सही, हर करवाल बन जाओ अभी सही महाराज नाम के। आपको क्या लगता है बेटा? हम तो अन पढ़ हुए, मोदी तो जाने आकर, मोदी ने जाना पढ़े और लिखे और आखो वे जाना उसकी बात ने, हम तो अनपढ़ लुगाई बैठे बेटा। हमने तो जो कोई बन जाए बढ़िया काम कर दे, हमने तो हम दवाई लेने जाना है, हमने तो बढ़िया दवाई मिल जाए सीट मिल जाए हम तो उस समय खुश हो जाए। तो वो किसने दिया? मोदी ने तो दिया। मोदी ने तो दिया। हाँ तो किसने ने दिया? उन्होंने अस्पताल में बढ़िया मोदी ने दिए, एक भाई दे तो वे हैं और कोई बेटा मना करते दे हैं मोदी ने दिए। मोदी करता है सही बताई पहला। हाँ हाँ किस करता है? मोदी करता है क्या? मोदी का तब मोदी करता है प्रचार करने है ना। ना ना हम तो पूछना है आपसे, पूछना है बस। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री, किसको देखते हैं आप? हम तो बेटा देखे आम पार्टी में लो और बेटे या केजरीवाल बनो और चाहे वो मोदी बनो, हम सब सब क्यों दिक्कत तो आ रही है ना अभी, पानी की दिक्कत आप बता रहे हो। हाँ पानी दिक्कत तो बढ़िया ये बारी बेटा उससे पहले। हाँ मतलब जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से यहाँ पे पानी की दिक्कत, पानी दिक्कत है बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन आपको कुछ कारण पता है ऐसा क्यों है? कौन करवा रहा है? हम तो बाहर जाते हैं ना बेटा, घर में इधर है बेटा, जो बड़े छोटे काम के कर रहे हैं उनकी गले हो रही है। अच्छा साफ सीधी बात है। चलो ठीक है चलो। ये बताइए सांसद को देखा है आपने? सांसद को देखा है यहाँ पे? नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। आया तो सांसद, क्या करना गए ना थे? क्या करना आए थे? बस अपने मीटिंग करे थे अपने, अपने बारे में कुछ कह दे वोटा का। 10 सालों में कितनी बार देखा है आपने? अब तो देखो जी आप नया लेडीज है अब तो पहले आई है। सांसद पता है ना प्रवेश, प्रवेश वर्मा है? प्रवेश वर्मा नहीं है, कमल जी नहीं आए ना यहाँ पर? आए नहीं, बिल्कुल नहीं आए, नहीं आए बेटी, नहीं आए, नहीं आए। क्यों नहीं आए? 10 साल हो गए उनको यहाँ पे सांसद। हमने क्या पता, हमने की इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो बन गया था, बने पीछे पर उसमें क्या जरूरत थी? पता है ना बीजेपी से है, बीजेपी से सांसद है। हाँ जो बीजेपी का था वो बने पीछे फिर ना आया था। अच्छा क्या लगता है अब की बार बीजेपी जीत पाएगी फिर यहाँ से? कुछ नहीं कह सकते। देखो जो भी अच्छा इंसान आ जाए तो हमने खुशी की बात, हम क्लियर नहीं सकते कौन जीतेगा। काम हुआ है कुछ पिछले 10 सालों में? विकास हुआ है कुछ? ना जी कोई विकास नहीं। हाँ? कोई विकास नहीं है। नहीं हुआ? परेशान है आप? कुछ दिक्कत परेशानी कुछ है आपको, समस्या ये बताइए। देखो जी परेशानी तो क्या, काम कुम तो कुछ होया ना, जो मारे आ रहे थे तो दिल्ली से तो ये कर रहे थे मुख्यमंत्री हो इनके चार्ज में है, ये बड़े इलेक्शन में तो हमारा कोई वो नहीं। देखा है आपने? नहीं हमने तो नहीं देखा। मैं जानते हैं है कौन, नाम क्या है उनका? वो प्रवेश वर्मा ही था। जी जी। हाँ। तो 10 साल 2 बार सांसद बने हैं वो, आपकी बार टिकट कटा है उनका। 10 साल में कितनी बार आपने देखा होगा? हमने तो जी कभी नहीं देखा इधर तो। देखा ही नहीं? तो कोई विकास वगैरह हुआ है उनका? कुछ नहीं है ऐसे ही, ये बस जैसे चीज का चल रहा है वैसे ही चल रहा है। क्या लगता है फिर अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो जी कौन बनता है वो तो। महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी वालों ने उतारा है और बीजेपी ने कमलनाथ सहरावत को, देखते हैं जी जो काम करेगा वही जीतेगा। कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पर है, रहने में दिक्कत हो रही है, बिजली पानी सड़क कुछ ऐसी दिक्कत ना? वैसे तो ठीक है मैडम, तो वो तो केजरीवाल की वो करा रहा ना सड़क पानी, तो और कौन करा होगा, प्रवेश थोड़ी करा रहा।
चलो ठीक ठीक। मजा आ रहा है हा? क्या चल रहा है आजकल? ये बताइए हवा कहाँ है आपकी बार लोकसभा चुनाव की? दिल्ली में? दिल्ली में तो हमारी तो तरफ से चाहे हारो या जीतो झाड़ू है, गंदगी को साफ करना बस। अच्छा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो दिया सब कुछ दिया, सेवा फ्री, लाइट, पानी, बिजली, क्या क्या नहीं दिया बताओ, शिक्षा, स्कूल, मॉल, मोहल्ला करने नहीं, और क्या चाहिए। ये सांसद को देखा है आपने यहाँ पे? हाँ देखा है, बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ पे अभी सिटिंग। हाँ हाँ वो तो है, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ 10 साल का कार्यकाल है उनका। 10 साल गए बेकार, 10 साल गए समझो 50 साल पीछे। अच्छा हाँ, कोई काम नहीं हुआ, जब नौकरी किसी के नहीं, रोजगार कुछ नहीं, लॉकडाउन से के बाद में कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारी तरफ से तो झाड़ू बढ़ेगी, चाहे जीते या ना जीते बस। लेकिन झाड़ू वाले तो अभी दिल्ली के सीएम जो हैं वो तो जेल में हैं। निकलेंगे तो सही, फांसी तो नहीं लगनी, फांसी लगेगी तो उसके साथ हम भी शहीद होंगे। अच्छा और क्या बड़ी बात बोल रहे हैं आप? नहीं वो ना जो जिससे हमें जो राहत मिलेगी उसी के पीछे नहीं रहेगी तो फिर कहाँ जाएंगे फिर है? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री फिर मोदी नहीं बनेंगे आपकी बार? मोदी तो चाहिए नहीं। क्यों? चाहे और आ जाए कोई बीजेपी का, मोदी के अलावा कोई भी आ जाओ बाकी। तो मोदी ने ऐसा क्या काम कर दिया? और क्या नहीं किया, रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, बाकी बचा क्या है? सब सब क्या है जगह, वो अडानी और अंबानी हुए उसी के साथ ही है बस, और किसी के लिए कुछ नहीं। देखिए हम लोग नजफगढ़ के रोशनापुर गांव में मौजूद थे जहां पर लोग क्या सोचते हैं आने वाले 25 मई को लेकर, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है और लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्रों में जाएंगे और अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और मैं साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी इस वक्त स्थिति ये है कि प्रवेश वर्मा जो अभी सिटिंग एमपी हैं उनको यहाँ के लोगों ने देखा ही नहीं है, और कमलजीत सहरावत के नाम से वो थोड़ा खुश भले ही हैं लेकिन नाराज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि 10 साल में कोई विकास उनके हिसाब से, यहाँ के गाँव वालों के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। और साथ ही में आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है महाबल मिश्रा को, तो टक्कर जो है वो कांटे की लग रही है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।